जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा 21 अक्टूबर 2024 मतलब कल के दिनांक में एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में क्या सूचना है, चलिए आइए देखते हैं। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी समस्त विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु एकल अवसरी पंजीकरण मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR नंबर प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन OTP के द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। तकनीकी समस्या के कारण वर्तमान में अभ्यर्थियों को ईमेल पर OTP विलंब से प्राप्त होने के दृष्टिगत एकल अवसरी पंजीकरण मतलब जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली हेतु ईमेल OTP वेरिफिकेशन के उक्त समस्या के समाधान तक वैकल्पिक किया गया। अतः अभ्यर्थी अब OTR जो है मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर हेतु मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये जानकारी दी गई कि जो OTR का रजिस्ट्रेशन है, अब पहले क्या था कि ये ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों से वेरीफाई किया जाता था, लेकिन तकनीकी समस्या चल रही जिसके कारण आप सिर्फ मोबाइल नंबर पर ही OTP प्राप्त करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उक्त तकनीकी समस्या की अवधि में जिन अभ्यर्थियों ने OTR नंबर प्राप्त किया है, उन अभ्यर्थियों को उक्त तकनीकी समस्या के समाधान के पश्चात अपनी ईमेल OTP के माध्यम से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना उनको SMS के माध्यम से दी जाएगी। मतलब जब ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तो जिन्होंने OTR प्राप्त किया हुआ है वो ईमेल को भी रजिस्टर्ड कराएंगे। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ दोस्तों का ये कहना होता है कि OTR क्या है, देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है। जैसे आप SSC का फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे मैं SSC के माध्यम से समझा रहा हूँ, जिन दोस्तों ने SSC का एग्ज़ाम दिया होगा, जब SSC का फॉर्म फिल किया जाता है तो SSC में एक बार रजिस्ट्रेशन किया जाता है और आप जितनी बार चाहें SSC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम यही तकनीकी यहाँ पर अप्लाई किया गया कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद चाहे UPSC आयोग के जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें फॉर्म फिल करते समय आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, आपको OTR में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और साथ ही साथ आपका पासवर्ड होगा जिसके माध्यम से लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है ना, हालांकि इसमें भी तकनीकी खराबी चल रही दोस्तों। ये सब द्वितीयक चीज़ें, अभी वर्तमान में जो बात चल रहा है कि UPPCS प्री का एग्ज़ाम और RO/RO का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन ना होने पाए, तो आयोग को इस पर खुल करके बात करना चाहिए, न कि ये इधर उधर की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अभी वर्तमान में तो UPPCS का कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना है, तो ये भाई बाद में भी ये बात किया जा सकता है। मूल समस्या अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ है कि नॉर्मलाइजेशन की समस्या से कैसे बचना है। तो ठीक है, ये मतलब याद रखिएगा, जिन्होंने अभी मोबाइल नंबर से OTR प्राप्त किया है, बाद में आपको ईमेल रजिस्टर्ड कराना है तो इसे आप जरूर कराइएगा। और दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए, देखिए विरोध जो चल रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये अपनी जगह, लेकिन लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना, क्योंकि कब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, क्योंकि 7 और 8 अभी चल रहा है, इस पर बात चल रहा है, हो सकता है कि आयोग ना माने और इसी पे एग्ज़ाम हो जाए, और फिर आयोग ने अभी तो 3 दिन का समय लिया है ना कि 3 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम आप यही मान के चलिए कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को होगा। ये तो PCS की बात है, वैसे भी RO/RO का फिक्स है कि 22 दिसंबर को ही होना है ना, तो लगातार पढ़ाई करते रहे। अब बात ही आती है कि पढ़ाई करना कहाँ से, तो देखिए पढ़ाई अगर सही जगह से करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर GS और CSET कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा मात्र 1600 रुपये में। ये रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट होंगे, है ना, आप रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वैलिडिटी 2 महीने की होगी और कंप्लीट सिलेबस होगा, सबसे बड़ी खूबी ये है ना, तो आप इसे ज़रूर परचेस कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, करंट अफेयर्स को लेके अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि RO/RO एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कहाँ तक का पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है, तो इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मात्र 479 इतने रुपये में करंट अफेयर्स का आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को परचेस करने के बाद ना
आपको अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक भी बिंदु आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ना, आप इसे पूरा कवर कर लीजिएगा। चाहे जिस स्टैंडर्ड का पेपर है आप करंट अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब दोस्तों इनमें से आप कोई भी कोर्स अगर परचेस करते हैं कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। ठीक, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, जहां पे जैसी आपको आवश्यकता पड़े पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।